हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेजी इलुस्ट्रेशन। तो आज हम वेक्टर आर्ट बनाएंगे कैट की। तो सबसे पहले जो मैं इसमें सिलेक्ट करूँगा, इसकी आंखें बनाने के लिए जो टूल मैं इस्तेमाल करूँगा वो है कर्वेचर टूल। ये बेसिकली ऐसा टूल है जिससे आप लाइंस बनाते हो लेकिन कर्व्स में। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, आप चाहते हो कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो पॉइंटेड ना हो, कर्व में हो, तो उसके लिए कर्वेचर टूल इस्तेमाल होता है। मैं अक्सर जो अपनी जितनी भी ड्राइंग है उसमें मैं जितनी भी आईज वगैरह बनाता हूँ मैं कर्वेचर टूल से ही बनाता हूँ। तो आप मेरे साथ देखते रहें कि मैं इसको कैसे बनाता हूँ पूरी ड्राइंग को। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो मुझे कोई चीज़ इम्प्रूव करने वाली है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको साथ साथ मैं इसका यूज़ भी बताऊंगा कि इसको आप इस ड्राइंग को, वेक्टर आर्ट को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं अर्निंग के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप जो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस तरह फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जब आप यहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप करते हैं और अपनी कहते हैं इस तरह की वेक्टर आर्ट की गिग्स होती हैं, यानी कि सैंपल होते हैं वो, क्या आपने ना 3 सैंपल डालने होते हैं अपनी ड्राइंग के। जब आप वो डाल देते हैं तो उसके बाद आपको बायर्स रिक्वेस्ट होती हैं। बायर्स रिक्वेस्ट बेसिकली जितने भी मार्केट में बायर्स इस जो आपने गिग डाली है उससे रिलेटेड काम चाह रहे हैं, तो वो आपसे आपको उस तरह की ना ऑफर सेंड करते हैं। इस पे वैसे एक डिटेल वीडियो भी बनती है, वो हम इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कवर करेंगे। उसमें मैं आपको जो अपनी फाइवर की प्रोफाइल है वो दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि जो मुझे ऑर्डर आए हुए हैं, इससे आपको ये आइडिया होगा कि मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो आपसे किस तरह की डिमांड कर सकते हैं और किस लेवल तक का आपसे काम ले सकते हैं, और आपने उनको किस तरह का काम देना है करके, और रिव्यूज़ की कितनी अहमियत होती है, आपको किस तरह का काम करना आना चाहिए, उसके लिए कितनी स्पीड आपको चाहिए होती है अपने काम में। क्योंकि अक्सर जो बायर्स होते हैं उनको टाइम का इशू होता है, तो उस आने वाली वीडियोस में मैं आपसे कहते हैं इसके जो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो भी शेयर करूंगा वीडियो से रिलेटेड।